श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाला है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग पंचभोग बर्फी बनाइए, जिसको पंचमेवा बर्फी भी बोलते हैं और इसे मावा पाक भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसको बनाना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, लेकिन खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और स्वादिष्ट के साथ साथ सारे कैल्शियम से भरपूर है दोस्तों, हेल्दी भी है। तो इस रेसिपी को आप कोई भी त्योहार पे बना सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में कृष्ण जन्माष्टमी आ गया है, तो जन्माष्टमी पे आप लोग बनाइए, कान्हा जी के भोग लगाने के लिए बनाइए दोस्तों, जो बनाने में आसान लगे और खाने में मजेदार लगे और हेल्दी बहुत ज्यादा हो दोस्तों। तो ऐसी ऐसी रेसिपी को बनाना बिल्कुल ना छोड़िएगा, एक बार जरूर बनाइए इस रेसिपी को। इसमें सारे विटामिन पाए जाने वाले सामान पड़ा है, तो इसको बनाना बिल्कुल सिंपल है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ अब बनाने। नमस्कार दोस्तों, साधना किचन बिहारी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इसके लिए लेना है एक मोटे तले की कढ़ाई, इसमें डालना है एक कटोरी मूंगफली दाना। ये मूंगफली लाल दाना वाला है, कोशिश कीजिएगा लाल दाना मिल जाए तो लाल दाना वाला ही लीजिएगा, इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। अगर लाल दाना ना मिले तो फिर गोल्डन कलर वाला जो मूंगफली होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा लाल दाना का, स्वाद बहुत बढ़िया आपका है बर्फी का बनाएगा। तो इसको छिलका चटकने तक भूनना होगा दोस्तों, मीडियम फ्लेम पे, हाई नहीं कीजिएगा, लो नहीं कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है। जिसे छिलका चटकने लगे तो समझिए कि भुना गया है। इसका भुनाने का टाइम 5 मिनट तक आराम से लग जाता है। अब इसे निकाल करके कढ़ाई को पोंछ देना है एक कॉटन कपड़ा से। फिर इसमें डालना है मखाना, जिसको फॉक्सनेट भी बोलते हैं। अब ये भी एक बाउल लेना है और इसको अब बढ़िया से भूनना होगा लो फ्लेम पर, मीडियम टू हाई मत कीजिएगा, इसे लो फ्लेम पर भूनना है दोस्तों। अब इसमें जो काला काला छिलका मोटा मोटा सा रहता है, हैवी हैवी काला काला छिलका, उसको निकाल देना है चून बीन करके, और इस तरह से लो फ्लेम पर इसे भून लेना है। तो इसको तोड़ने में दिखेगा कि एकदम परफेक्ट चड़चड़ाहट के साथ टूट रहा है इस तरह से, तो समझिए भुना गया है। इसका चेक करने का यही तरीका है। अब इसको भी निकाल लेना है एक बर्तन में। एक बर्तन में निकाल लेने के बाद में अगला प्रोसेस के लिए बने रहिएगा दोस्तों। मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, इसके चलते थोड़ा गला फंस रहा है, लेकिन इसके लिए माफ कीजिएगा। मैं कोशिश करके आप लोग के लिए जन्माष्टमी के लिए रेसिपी तैयार ही की हूँ, क्योंकि तबीयत खराब था, फिर भी मैं मानी नहीं कि मेरे ऑडियंस को रेसिपी नहीं जा पाएगा। फिर अब देखिए दोस्तों, इसके लिए लेना है फिर बड़ा वाला बादाम, ये लेना है अपना अंदाज से, जितना आपके पास हो, मतलब मर्जी हो आपका उतना लेना है, क्योंकि ये ज्यादा गर्म होता है। तो देखिए ये लेना है, हाफ कटोरी में ली हूँ, जिस कटोरी से मूंगफली था उसी से हाफ कटोरी है बादाम। दोस्तों मेरा YouTube चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, रोज का नोटिफिकेशन जाए और आप लोग आसानी से मेरी वीडियो को देख पाए। तो देखिए ये भी छिलका चटकने लगा है, 5 से 6 मिनट आराम से भुनाता है और मीडियम फ्लेम पर भुनाता है, हाई लो नहीं कीजिएगा। अब इसे भी निकाल लेना है अलग बर्तन में, फिर से कढ़ाई को कॉटन कपड़ा से पोंछ देना है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से चूल्हा बंद करके अब मैं छिलका उतार ली हूँ। छिलका उतार लेने के बाद में इतना हुआ है, एक एक दाना का अभी छिलका नहीं उतरा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, मावा पाक बढ़िया बनेगा। तो इसको बड़ा वाला ग्राइंडर जार में डालना है मूंगफली को, फिर डाल देना है बादाम को, बिना छिलका उतारे बादाम डालिएगा। कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा नारियल साइड में रखना है और थोड़ा सा भुना हुआ बादाम में से कटिंग करके कतरन बना के साइड में रखना है, अगला प्रोसेस में काम आएगा। अब देखिए मूंगफली और बादाम इस तरह से हो गया है दरदरा। अब इसमें डालना है मखाना भुना हुआ, जिसको फॉक्सनेट बोले थे। अब इसको भी डाल करके बढ़िया से ग्राइंड करना है। ऐसे अगर बढ़िया स्मूथ ग्राइंड करेंगे ना तो ऑयल जल्दी छोड़ देता है, तेल छोड़ देता है दोस्तों, क्योंकि मूंगफली में बहुत ज्यादा ऑयल होता है। तो इसलिए मखाना को डाल करके अगर ग्राइंड करेंगे तो इस तरह से होगा तैयार।
ज्यादा चिपचिपा नहीं होगा और ज्यादा तेल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मखाना का पाउडर बहुत ज्यादा ड्राई होता है, सूखा होता है। तो सब एक जॉब करके इस तरह से बढ़िया सा पाउडर तैयार हो गया है। अब इसको हाथ से बढ़िया से तोड़ करके और फैला लेना है। इसमें और क्या क्या पड़ेगा दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को बीच में ना स्किप कीजिएगा। अब इसमें डालना है नारियल, सूखा नारियल कद्दूकस करके, जिसको गड़ी भी बोलते हैं। अब इसमें डालना है उसी कटोरी से, बाउल से, एक बाउल मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप लोग कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो दोस्तों उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मिल्क पाउडर की रेसिपी नहीं है कि कोई चिपचिपाहट आएगा और कोई बेकार होगा। इसे मिक्सर में मिक्स करना है, इसलिए कोई भी मिल्क पाउडर चलेगा। अब इन सब को बढ़िया से मिक्स करके मिक्सचर तैयार करना है, और फिर अगला प्रोसेस पे कैसे रेसिपी बनेगी आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, और वीडियो को बीच में ना छोड़िएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। घर के रखे हुए सामानों से मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरह से हो गया है तैयार, मसल कर मिक्स करके। तो अब चलना है कढ़ाई की तरफ। चूल्हा बिना जलाए डालना है एक कटोरी के माप बनाकर डेढ़ कटोरी चीनी। जिस कटोरी से मूंगफली और बादाम था उसी कटोरी से चीनी का माप है डेढ़ कटोरी में, डेढ़ कटोरी पानी, डेढ़ कटोरी चीनी, डेढ़ कटोरी पानी। अब इसको चूल्हा ऑन करके और बढ़िया से चला मिला करके पकाना है। जब बढ़िया से चीनी घुल मिल कर पकने लगेगा दोस्तों, चूल्हा के फ्लेम हाई ही रखिएगा फर्स्ट बार में, और देखिए जल्दी जल्दी चीनी घुलने लगा है, चीनी बढ़िया से घुल जाए। तो इसको कितना तक चाशनी को तैयार करना है परफेक्ट तरीका के लिए, वीडियो को बीच में ना छोड़िएगा, पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चीनी जब घुल जाए तो इसमें डालना है एक स्पून घी। घी से सॉफ्ट बनाता है, नरम बनाता है, बहुत बढ़िया बनाता है, इसलिए घी जरूर डालिएगा। घी डालने के बाद में इसे कंटिन्यू चलाना है दोस्तों, और बढ़िया से चिपचिपी चाशनी हो जाएगा तैयार। इसके लिए मैं आगे चल के बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो इस चाशनी को पकाने का टाइम कुल टोटल 6 से 7 मिनट लग जाता है। 6-7 मिनट के बाद डाल देना है 4 से 5 इलायची कूट करके, छिलका उतार करके, छोटा वाला इलायची। अब इसे कूट करके इसमें डालना है, इससे स्वाद इसका बहुत बढ़िया बनाएगा दोस्तों। अब इसको डालने के बाद में फिर कंटिन्यू चलाते ही रहना है 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट जब हो जाएगा उसके बाद के लिए अगला प्रोसेस पे बने रहिए दोस्तों। 6 से 7 मिनट इस चाशनी को पकाने का कुल टोटल टाइम हुआ है। अब देखिए इस तरह से हो गया है। तब तक के लिए एक थाली तैयार रखना है। इस थाली में घी लगा देना है चारों तरफ घुमा फिरा करके, घी लगा करके साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये जल्दी से पकाने के बाद जल्दी डो उसमें गर्मा गर्म सेट करना होगा, इसलिए थाली चाशनी बनाते बनाते तैयार कर लेना होगा बर्फी सेट करने के लिए। अब देखिए चाशनी हो गया है तैयार। ज्यादा कोई तार वार वाला चाशनी नहीं बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपी सी चाशनी जब बन जाएगी तब इसमें डाल देना है सारा मिक्सचर जो मिक्स करके मैं रखी थी, बादाम, मूंगफली, मखाना का पाउडर सारा। उसको लो फ्लेम करके डालिएगा, हाई फ्लेम करके नहीं डालिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और लो फ्लेम पर ही इसे पहले घुला मिला करके चला लेना है, तब कीजिएगा चूल्हा के आंच को हाई। जब बढ़िया से मिक्स हो जाए तब चूल्हा के आंच को हाई कीजिएगा, नहीं तो फिर गांठ गुठली पड़ सकता है। इसलिए चूल्हा के आंच लो रख के अगर डालेंगे ना तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी आने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा दोस्तों, बिल्कुल आसान हो जाएगा बनाना। इसलिए चूल्हा के आंच धीमी पे इसे मिक्स कर लेने के बाद हाई करके इसे पकाना है। चाशनी का टाइम 6 से 7 मिनट, और चाशनी के बाद मिक्सचर डालने का पर पकाने का टाइम ध्यान दीजिएगा। अभी जब तक पकेगा तब तक मैं बताते जाऊंगी। देखिए हाई फ्लेम पर इस तरह से पकेगा,
देख रहे हैं ना किस तरह से पकते जा रहा है। सारा तरीका को ध्यान से देखिए दोस्तों, कि जो आपको कोई तामझाम ना बढ़ जाए, इसलिए मैं पूरा आपको वीडियो दिखा रही हूँ कि जिस तरह से मैं बनाई हूँ और बनाना आसान लगा उसी तरीके से आप लोग के पास बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से फदक फदक कर मावा की तरह पकेगा। इसको पकने का कुल टोटल टाइम 10 से 12 मिनट लग जाता है दोस्तों हाई फ्लेम पर। और जब इसका थिकनेस हो जाएगा कुछ थिक, तब देखिएगा किस तरह से होने पर मीडियम फ्लेम पर पकाना है, सब बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दोस्तों इस तरह से थिक हो गया है। अब कभी मीडियम कभी हाई करके पकाते जाइए, बढ़िया सा थिक हो जाएगा बेटर, मतलब डो। तो इस तरह से गाढ़ा होते जाएगा और कढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा दोस्तों, देख ही रही हैं। अगर ये नॉन स्टिक पेन कोशिश कीजिएगा कि लें, नॉन स्टिक कढ़ाई हो या पेन हो, तो आपकी ये बर्फी परफेक्ट बनेगी। अब एक स्पून के मदद से लेना है थोड़ा सा और पंखा के हवा के पास ठंडा करके फिर इसको बढ़िया से ध्यान से उंगली पे लेकर के देखना है, चेक करना है। तब तक के लिए चूल्हा की आंच धीमी रख के इसे कंटिन्यू चलाते रहिए और इस तरह से स्पून वाला बैटर, मतलब दो उंगली पे लेके गोल गोल लुढ़काना है। जिस तरह से गोल गोल हो जाए तो समझिए हो गया है। अब इसे उतार लेना है दोस्तों। उतार करके उसी थाली जिसको मैं घी लगाई थी इसी थाली में निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद में इसे बढ़िया से सेट करना होगा। और इस बर्फी बनने का परफेक्ट थिकनेस है और परफेक्ट एकदम से डो तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से इस बर्फी बनाइएगा। देख रहे हैं किस तरह से इसका बढ़िया सा शाइनिंग आ गया। और इस बर्फी में इतना ज्यादा स्वाद रहेगा दोस्तों कि आप लोग को यकीन नहीं होगा कि इतना बढ़िया ये बर्फी बनी है इतना ही सामान से। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हो गया है तैयार। अभी से ठोक ठाक कर बराबर चारों तरफ घुमा करके और एक बड़ा स्पून में हल्का सा घी लगा देना है पीछे के तरफ, और घी लगा करके इस तरह से चिकना चिकना सा फैला देना है। चारों तरफ से चिकना कर देने के बाद में थोड़ा सा मैं कद्दूकस करके सूखा नारियल रखी थी यानी गड़ी, उसको लगाना है। और थोड़ा सा बादाम रखी थी कतरन बनाकर, उसको लगाना है और हथेली से दबा दबा करके सेट कर देना है। इसको पहले स्पून के मदद से बढ़िया सा टाइम देकर सेट कीजिएगा। इस तरह से चिकना हो जाना चाहिए जिससे बर्फी बढ़िया बने। तो है नहीं इस बर्फी को बनाना आसान? आप लोग को कैसी लगी ये बर्फी थोड़ा एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बीमार रहूं या कुछ भी रहूं लेकिन आप लोग के पास रेसिपी शेयर करती ही करती हूँ। आप लोग को वीडियो देना मैं रोकती नहीं हूँ दोस्तों। कल मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब था तो कल रुक गया था, लेकिन फिर भी आज रेसिपी बनाई ही हूँ। अब देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा सा गार्निश कर देना है ड्राई फ्रूट्स। और परसों वाला मैं लाइव में मैं बताई थी दोस्तों, देखिएगा आप लोग कि मेरा तबीयत खराब चल रहा था उस टाइम भी, फिर भी मैं बर्दाश्त करके आज वीडियो बनाई हूँ। लेकिन आप लोग इसे पूरा देखिएगा दोस्तों। आप लोग से विनती है कि देखने के बाद में एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक कमेंट ही मुझे हिम्मत देता है, हिम्मत बढ़ाता है। इसलिए लाइक कमेंट करने से ना हटिएगा। और इसमें आप लोग का कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, सिर्फ आप लोग एक खुशी देते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा खुशी देने के लिए मदद कीजिए कि एक लाइक एक कमेंट कर दे वीडियो पसंद आए तो। इस तरह से सजा करके हाथ से दबका दबका करके बढ़िया से सेट करना है, जिसे ड्राई फ्रूट बाद में निकले नहीं, बढ़िया से सेट हो जाए मार्केट की तरह। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ करके लाना है, बढ़िया से छोड़ दीजिए 10 से 12 मिनट 15 मिनट पंखा के हवा के पास। तो 12 मिनट के बाद मैं लाई हूँ दोस्तों पंखा के हवा के पास, ठंडा हुआ है। इसे फ्रिज में ना रखिएगा नहीं तो चिपचिपाहट आ जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर इसको रात में बनाएंगे पूरी रात के लिए छोड़ देंगे तो और बढ़िया थिक हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन मुझे वीडियो कंप्लीट करना रहता है दोस्तों, मैं 12 मिनट के बाद ही कटिंग करके दिखा रही हूँ आप लोग को
कि कितना बढ़िया है, परफेक्ट ठीक होते जा रहा है, आप लोग देखिए। तो इसी तरीके से इस बर्फी को बनाइएगा। मेरा फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते होंगे तो फॉलो कीजिएगा दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ब्लॉग वीडियो अगर देखना होगा मेरा तो मेरा साधना किचन बिहारी ब्लॉग्स चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब करके मेरा लाइफ स्टाइल ब्लॉग देखिए। और ये है कुकिंग चैनल जो बढ़िया सा हो गया है, ग्रो मोनेटाइज सब हो गया है इसमें दोस्तों। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, जिसके मदद से तरह तरह के नई नई रेसिपी मैं अपना अंदाज में आप लोग से शेयर करूं और आप लोग भी सीख पाए, बना पाए। तो देखिए इस तरह से कटिंग हो गया है। अब इसको एक पीस निकाल के मैं अभी दिखा रही हूँ। इसको पूरी रात छोड़ देंगे ना तो इसे निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों। इसे बहुत आसानी से निकल जाता है, देखिए कितना बढ़िया से निकल गया। जबकि 10 से 12 मिनट ही बाद मैं इसे कटिंग करके निकाल रही हूँ बर्फी। तो कोशिश कीजिएगा रात में बनाकर छोड़ दें और पूरी रात के लिए सुबह में इसे निकाल करके कंटेनर में सेट कर दें, जो आपको महीनों दिन तक बर्फी खराब नहीं होने वाली। कोई भी त्योहार पे बनाइए, नवरात्रि पे बनाइए, लेकिन हाल फिलहाल में कान्हा जी के भोग लगाने के लिए जन्माष्टमी पे बनाइए दोस्तों। ऐसे भी किसी मेहमान आए, गेस्ट आए या बच्चों को खिलाना हो तो इस तरह से हेल्दी रेसिपी बनाइए जो कैल्शियम से भरपूर मिले, हेल्दी मिले, स्वादिष्ट मिले। ऐसी ऐसी रेसिपी देखने के लिए आपको थैंक यू और मेरा वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। लेकिन लास्ट में कमेंट करने से ना हटिए दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल को पूरा सपोर्ट दीजिए जिससे मैं आप लोग तक रोज वीडियो छोड़ पाऊं। थोड़ा सा हिम्मत बढ़ने के बाद में वीडियो बनता है दोस्तों। अब इसे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिएगा कितना बढ़िया है लग रहा है, एकदम शाइनिंग आ गया इस बर्फी में। इतना बढ़िया इसका स्वाद लगेगा ना कि मतलब क्या बतावे। डोडा बर्फी जो होता है ना उस तरह से थोड़ा इसका स्वाद सोना सोना जैसा लगेगा। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना है इस रेसिपी, तो आप लोग बनाइए इस जन्माष्टमी के त्योहार पे। और ऐसी ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन नई रेसिपी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करें।